नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा की अभिनय से सजी फिल्म जीवन युद्ध के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म जीवन युद्ध एक फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 4 मार्च 1997 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है पीयूष चक्रवर्ती और फिल्म को निर्देशित किया है पार्थो घोष ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, राखी गुलजार, जया प्रदा, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, आलोक नाथ, रामी रेड्डी और गिरिजा शंकर ने। फिल्म के गीत लिखे हैं समीर ने तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 7 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है कुमार सानू, पंकज उधास, सुदेश भोसले, बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, इला अरुण और नचिकेता चक्रवर्ती ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.1 की रेटिंग मिली हुई है और 56% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 2.32 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2.37 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म की शुरुआत 1994 में हुई थी लेकिन फिल्म को पूरा होने और रिलीज होने में करीब 3 साल का समय लगा था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म को बंगाली में जीवन जुदा शीर्षक के साथ डब करके 28 मार्च 1997 को रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 3, मिथुन चक्रवर्ती और अतुल अग्निहोत्री की एक साथ यह तीसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले 1994 में रिलीज हुई फिल्म नाराज और 1995 में रिलीज हुई फिल्म गुनाहगार में एक साथ काम कर चुके थे। हालांकि इन फिल्मों से पहले 1983 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म पसंद अपनी अपनी में अतुल अग्निहोत्री एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती की यह आखिरी फिल्म है जिसे उन्होंने बॉलीवुड मुंबई में रहते हुए साइन की थी। इसके बाद वह ऊटी चले गए और वहीं पर ऊटी के आसपास की लोकेशन पर शूट होने वाली कम बजट की फिल्मों में काम किया। करीब 10 सालों के बाद मिथुन चक्रवर्ती 2005 में रिलीज हुई फिल्म ऐलान के जरिए एक बार फिर से मुंबई लौटे। फैक्ट नंबर 5, मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक पार्थो घोष की एक साथ यह आखिरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले 1993 में रिलीज हुई फिल्म दलाल और 1994 में रिलीज हुई फिल्म तीसरा कौन में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म का एक गाना कमीज मेरी काली गाने का नमूना अताउल्ला खान के गाने कमीज तेरी काली से लिया गया था। इसी गाने को बेवफा सनम के गाने वफा ना रासाई के लिए सैंपल किया गया था। फैक्ट नंबर 7, राखी गुलजार और जया प्रदा की मिथुन चक्रवर्ती के साथ यह आखिरी फिल्म है। हालांकि इस फिल्म के बाद जया प्रदा ने मिथुन चक्रवर्ती की 2004 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म स्वप्न देखा राजकन्या में कैमियो रोल किया था। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।